गोलगप्पे वाले भैया हमें खट्टा पानी चाहिए। हमें भी खट्टा ही पानी चाहिए। वो आया मेरा बच्चा। अच्छा मैं गोलगप्पे वाले भैया हूँ बच्चा तो मैं खाऊंगा गोलगप्पे वाले भैया। अरे मैं टेस्ट तो कराओ। तो आ जाओ सब नाश्ता करने के लिए। वो भी राजस्थानी नाश्ता, तो कचौरी है, मिर्ची वड़ा है, प्याज की कचौरी भी है और दाल की कचौरी भी है। वो इधर देखो, मैं वो कबूतर हूँ जो आँख मिच लेता तो ऐसे मस्त उसको कोई नहीं देखा। अपनी लैंग्वेज ही पढ़ेगी क्योंकि इसने लिखा है। अरे वो है। तो जैसे कि आपने देखा था, हमने पिछला व्लॉग यहीं से छोड़ा था। हम आ गए थे होटल में डिनर करने के बाद, और उसके बाद जो भी हमें अपना मिला छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया था। पेस्ट्री ले आए थे जिस पे परी ने 80K सब्सक्राइबर अपने हाथों से लिखा था, और फिर हमने वो पेस्ट्री यानी कि जो हमारा केक बनाया था उसको हमने कट कर लिया था और उसको जो भी था वो खा लिया था। और उसके बाद क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग फिर से दरगाह जाना था और फिर घर भी निकलना था, तो फिर उसके बाद और कुछ ज़्यादा किया नहीं और ज़्यादा शूट भी नहीं किया। उसके बाद हम सो गए थे और ये हो गई है अब नेक्स्ट मॉर्निंग। तुमने इतनी देर के लगा दी, दो ऑटो निकाल के गए थे। जब हम यहां ऑटो तो निकलते मिल जाते हैं। हम इंतजार में खड़े थे सारे। ये खड़ा हुआ था मैं इंतजार में। मैं ही लाई उसको। हमने खड़ा कर रखा था। जब यहां आते थे पहले उससे कहते ट्रेन से, हम ऑटो से जाते थे। अब ऑटो पे वो जैसे दो सीट है, दो सीट के पीछे यहां पे जो ड्राइवर सीट है उसके पीछे इतनी सी पट्टी लग रही थी। उस पट्टी पे वो मुझे बैठा देते ना, उसमें जगह ना कुछ। अब मैं समझती हूं अर्श और उसके पापा पहले आ गए थे और हम लोग बाद में आए थे। तो ये लोग यही कह रहे थे कि हमने रिक्शा रोक कर रखा हुआ था क्योंकि जल्दी पहुंचना है और जल्दी आना भी है, नहीं तो पैदल जाते तो और ज़्यादा टाइम लग जाता, तो इसलिए हमने रिक्शा कर लिया था। तो वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुम्हारे चक्कर में 2 से 3 रिक्शे चले गए। तो मैंने कहा नहीं, ये खड़े हुए थे। और उसके बाद फिर हम दरगाह पहुँच गए क्योंकि भीड़ कम थी सुबह के टाइम, तो हम जल्दी ही अंदर पहुँच गए थे। और वहाँ हमने अंदर जाकर फातिहा वगैरह सब पढ़ लिया था और उसके बाद एक इस तरह से एक राउंड लगाकर फिर हम बाहर बैठ गए थे जहाँ पर हमें यासीन शरीफ वगैरह पढ़नी थी। और उसके पापा ने कुछ तस्बीहां और दरुशरीफ वगैरह वहाँ पर बैठकर पढ़ लिए थे। तो सुबह का टाइम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम मौसम भी मतलब अच्छा था और ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी, लेकिन जो इन्वायरमेंट था वो बहुत अच्छा लग रहा था। और परी ले आई है यासीन शरीफ वहाँ से। फातिहा पढ़कर, यासीन शरीफ पढ़कर, जिन लोगों ने दुआओं के लिए बोला था उन लोगों की दुआएं यहाँ पर मांगकर हम निकल पड़े हैं। गोपाल कचौरी वाला है ना? कचौरी वाला है। ऐसे कर लेंगे जैसे कि हाँ, वरना हम तो कुछ और ही करने वाले थे। आज की अप्पी कह रही है तो फिर तुम जो भी खिचड़ी पकाने वाले थे हमारी उस खिचड़ी से कोई लेना देना नहीं है परी। तो उस खिचड़ी को खाना मत ना तुम जो पका रहे हो। वो तो आपका काम है खिचड़ी पकाना, खाना खाना नहीं खाना वो हमारी चॉइस है। मैं भी देख सकती हूँ। आप नहीं देख सकते मुझे। मैं वो कबूतर हूँ इधर देखो, मैं वो कबूतर हूँ जो आँख में
परी वहाँ रिक्शे में ये बोल रही थी कि आप लोग जो है नाश्ता जो खाना है वो पैक करा लेना, और एक बैग अभी हम ऊपर छोड़ आए थे होटल में, तो हमने कहा कि वहाँ जाके हम चेंज कर लेंगे जिससे कि जो लंबा सफ़र है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। अब परी तो परी है, परी ने कहा मैं तो अपना नाइट सूट ही पहन कर चले जाऊँगी जिससे कि मुझे आसानी हो जाए और मैं कम्फर्टेबल हो जाऊँ। वाओ वाओ, समझदार बच्चा मेरा। अच्छा ज्यादा अंदर कर दो तो भी बंद हो जाती लाइट। चलो आक्रमण। तो हम आ गए हैं कंफर्टेबल चेंज करने के लिए गाड़ी में जिससे कि आराम हो जाए। पता है बहुत परेशानी होती है, बहुत इतने घंटों बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, और पैंट की वजह से ना पैर भी नहीं ऊपर कर पाती, तो मैं तो आराम से लोअर पहन के तब बैठूंगी। चलो लिफ्ट आ गई। अब जीरो दो तो कभी कहीं आगे ले जाए, फर्स्ट फ्लोर रखेंगे तो सिक्स फ्लोर ले आते, अब क्यों टेंथ फ्लोर पहुंचा देंगे। खुल गई सिम सिम, बहुत दूर से आ रहे हैं ना नहीं ऊपर से। हाँ गर्मी देखा मैंने, क्या कहा था अभी हो जाएगी इतनी ज्यादा गर्मी। नहीं यहाँ से बाहर निकल जाओगे थोड़ा ठंडा सा लगेगा, ये रीजनल गर्मी है। एक रास्ते में से हमने ली थी ना कचौड़ियाँ, जब रियाना आए थे। हाँ, पर उसका नाम भी गोपाल ही था जितना मुझे याद। नहीं, उससे पहले ली थी जब आपने इडली के बैटर वगैरह भी दिए थे। हाँ, यहाँ कढ़ी के साथ में चलती है जी। हाँ कढ़ी और वो चलती है, पता इस टाइम तक निकल गए थे हम, पिछली बार से बाहर ही निकल गए थे हम। बड़े वो लगा लें जीपीएस क्या डालूं, जयपुर दिल्ली हाईवे, दिल्ली कौन है मुझे नहीं पता ना यहाँ। और प्रवीण जी अर्श से बोल रहे थे कि बेटा अब मैप लगा लो, क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था तो उन्होंने मैप लगा लिया था। और एज यूजुअल मैं और परी हम खेल रहे हैं कैमरे के साथ जो कि हम हमेशा करते ही रहते हैं। तो यहाँ से हमने नाश्ता पैक करा लिया था और निकल पड़े हैं अपने बैक टू होम के लिए। तो रास्ते में कोई भी जो भी फर्स्ट स्टेशन पड़ेगा सीएनजी स्टेशन, वहाँ आराम से रुकेंगे। हमने चाय भी पैक करा ली है तो वहीं हम अपना चाय नाश्ता करेंगे। लेकिन जितनी जल्दी हो सके धूप कम होने से पहले उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है भाई, ये राजस्थान है, यहाँ तो गर्मी होनी है, तो दिल्ली से जल्दी यहाँ पर गर्मी आ जाती है। तो बस हम निकल पड़े। ये क्या शैतानी से कर रहे हो आप तीनों? ये हम यहाँ नाश्ता करवा रहे हैं, देखो बस 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 राजस्थानी नाश्ता। ये है कढ़ी और कचौरी, दाल की कचौरी, और ये है मिर्ची वड़ा, मेहरबानी दाल की कचौरी और कढ़ी, ठीक है, और चाय। किसी को और कोई चाहिए? बस इसमें थोड़ी सी कढ़ी अलग करना, तो किसी को और डालना पड़े सब। अच्छा तो आ जाओ सब नाश्ता करने के लिए, वो भी राजस्थानी नाश्ता। तो कचौरी है, मिर्ची वड़ा है, प्याज की कचौरी भी है और दाल की कचौरी भी है। आप लोग खाओ। चाय भी है, तुम क्या खाओगे? मैं नहीं खाऊंगी चाय के साथ। हम यहाँ रुक गए हैं अपने पहले स्टेशन पर और अब कढ़ी टेस्ट करके देखते हैं। ऐसे तो नहीं जैसे घर में बनती है, पानी होगी एकदम, और ये पतली होती है क्योंकि इसके साथ खा जाती है। चम्मच दू क्या आया हो और उसको देख कर उस पर ये गम के आसार नमूदार हुए हैं। कौन टक्कर मार के आया किसमें? अभी दो गाड़ी वाले थे वो झगड़ा कर रहे हैं हमारे आगे थी वो रे वाइट वाइट ना, वो दोनों अभी खड़ी है वहां पे, वो दोनों गाड़ी खड़ी है ना वो पीछे। द रेडियो मोड अभी तो खड़े ही है, उन्होंने रोका है, तेज गाड़ी चला के लेके आया है और फिर इसके आगे ओवरटेक करके उसने रोका उसको। किसने किसको ठोका? लो शीशा टूट गया उसका। हाँ वो लटक रहा था, शीशा दिख रहा था मुझे। अरे पीछे गाड़ी है ना परी, ये टक्कर मार के आई थी, जो आगे खड़ी है इसने आके इसको ओवरटेक करके रोका और अब उतर के चला गया। लेडीज लेडीज उतरी है इसमें से। हां लेडीज उतरी मैं, अब गया हूं चला कौन रहा था तो जेंट्स इतना नहीं करते। देखो देखो लोगों ने वो
भागने के चक्कर में है। और ये हमने राजस्थान से हरियाणा में एंटर कर लिया है। तो यहाँ हमें जाना था, मुझे देनी थी एक्चुअली इन लोगों को पार्टी 80 के होने की, लेकिन हमें जाना था मूर्थल। मूर्थल तो अपोजिट रास्ते में था, लेकिन रास्ते में पड़ा था मन्नत। तो प्रवीण जी ने कहा चलो ठीक है, मन्नत में ही खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर घर के लिए निकलेंगे। तो हमने मन्नत में एक बार, शायद मुझे ध्यान है कि हम पहले आए हैं इसमें, क्योंकि मुझे जो इसका जो इन्वायरमेंट था वो मुझे देखा देखा सा लग रहा था, और मे भी शायद किसी और में गए हों वो सेम था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे वहाँ पर खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया, बिल्कुल जैसे एक्चुअली हम घर में बनाते हैं ना, बिल्कुल मिर्च मसाले बैलेंस और जैसे होना चाहिए एक्चुअली में वैसे ही। ये लोग वॉशरूम से आए नहीं अभी। अभी मौसम अच्छा लग रहा है ना, तो यहाँ पे भी ठंड लग रही है अभी खुले खुले में। परी और उसके पापा चले गए हैं वॉशरूम फ्रेश होने के लिए, और हम लोग यहाँ पर बैठे थे, वो हमें बोल कर गए हैं कि आप लोग ऑर्डर कर दो जो भी खाना है। अच्छा, अभी नई जगह पे कहीं पर भी आप जा रहे हैं जिसका आपको पता नहीं है कि खाना कैसा होगा, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि वहाँ पर आप अगर थाली सिस्टम है तो आप थाली ले लें। उससे क्या होता है कि थाली में आपको 2 से 3 तरह की सब्जियाँ मिल जाती है, तो उससे टेस्ट आपको मिल जाता है कि एक्चुअली इनके यहाँ का टेस्ट कैसा है। और उसमें अगर एक आपको पसंद नहीं आई तो दूसरी हो सकता है सही लगे, नहीं तो तीसरी सही लगे। तो बस हमने यहाँ पे थाली एक ऑर्डर कर दी थी। मैंने अर्श को पूछा, मैंने कहा तुम्हें क्या खाना है, तो वो तो एज यूजुअल हमेशा की तरह से ही उसने कहा पनीर नूडल। तो उसके लिए हमने पनीर नूडल ऑर्डर किए थे और 2 हमने थाली ऑर्डर कर दी थी। तो बस हम अपने खाने का वेट कर रहे थे, फिर मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर गोलगप्पे पे। अब गोलगप्पे का मज़ा तो ठेले पे खड़े होकर खाने का है, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, देखने में तो शानदार है, देखें गोलगप्पे और ये सब ठीक हैं क्या नहीं है। तो मैंने गोलगप्पे भी ऑर्डर किए थे, तो चलिए देखते हैं हमारे गोलगप्पे और थाली का जो टेस्ट है वो हमें यहाँ पर कैसा मिलने वाला है, जैसे उम्मीद लग रही है वैसे ही या फिर कुछ और। और ये देखिए परी और उसके पापा भी आ गए। तो देखिए ये आ गया है हमारा ऑर्डर, जिसमें है 2 लच्छा पराठा, 1 शाही पनीर, 1 दाल मखनी, 1 मिक्स वेज, थोड़े से राइस, सैलेड और पापड़, और अभी 1 मीठा बाकी था। और ये आ गए हैं हमारे गोलगप्पे, खट्टा और मीठा पानी दोनों के साथ, और जिसमें इन्होंने जो स्टफिंग है वो बहुत ही अच्छी दी थी, क्योंकि हम लोगों को स्टफिंग बहुत अच्छी तरह से भरी हुई, उसी में खाने में मज़ा आता है। तो ये थाली, तो कुल मिला के थाली में जो भी चीज़ें थी वो वाकई बहुत टेस्टी थी, सारी चीज़ें ही टेस्टफुल थी। गोलगप्पे वाले भैया हमें खट्टा पानी चाहिए। हमें भी खट्टा ही पानी चाहिए। वो आया मेरा बच्चा। अच्छा, मैं गोलगप्पे वाले भैया हूँ, अच्छा तो मैं खाऊंगा। गोलगप्पे वाले भैया, अरे मैं टेस्ट तो कराओ, तुम कैसे गोलगप्पे वाले भैया हो, खुद ही खा रहे हो। वही आलू तो अच्छे से भरो। लो भाई, अच्छा लग रहा है। आगे बताओ, मैंने भी ये वाली सब्जी खाई है, खा कर टेस्ट करके बताओ। एक साथ पड़ी है, चलो 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 चलो। तो मैंने देखा है अभी परी बड़ी नहीं हुई है गाइस, पापा की परी है। पापा की परी उड़ने को तैयार। पापा का पेंगुइन। अच्छा
आज कैसा लगा खाना? खाना रसगुल्ला तो अच्छा है, गर्म है ना? रसगुल्ला थोड़ा गर्म होना चाहिए था, मेरा गर्म है। अच्छा ज़्यादा होना चाहिए, दो पीस होने चाहिए थे। हमारा खाना हो गया था, अर्श अभी खाना खा रहा था, तो हम बाहर की तरफ आ कुछ फोटोज क्लिक करने के लिए और आपको ये सब दिखाने के लिए। उछलता हुआ मम्मम, हाय गाइस, मैं कह रहा हूँ खाना कैसे लगा? अमेजिंग, मजा आ गया। माशाल्लाह, पहले और... तो खाना बहुत टेस्टी, उसके बाद जब वो मीठा गरम आया, हालांकि मैं खाती नहीं हूँ गुलाब जामुन, लेकिन जब वो गरम गरम गुलाब जामुन था और तेरे पापा ने थोड़ा सा मुझे खिलाया तो वो पसंद आया, फिर मैंने एक स्पून खोल लिया। हमें बहुत ही मज़ा आया क्योंकि आज मैडम पे करेंगे। और फिर उसके बाद जो मज़ा आया ना बड़ी खाने चाय में करने वाली, अपनी पसंद की चाय, बैलेंस चाय, ठीक है ना? और ये कोई पेट प्रमोशन नहीं है, लेकिन वाकई खाना बहुत ज़बरदस्त है, सर्विस बहुत। हम तो पहली बार आए हैं, नहीं करना पड़ा शवन बड़ी, नहीं हम आए हैं इसमें, तुम्हें याद नहीं जब भिवाड़ी में रहते थे तब हम इसमें एक बार आए, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेम एक जैसे ही उन्होंने बनाए हुए होंगे, और भी अगर इनकी ब्रांच होंगी तो, लेकिन मैं इसमें आई हूँ तो अमेजिंग चाय, परफेक्ट बिल्कुल, उसमें बैलेंस था सब चीज़, अदरक इलायची जो भी डलता है, दूध अच्छी उबली हुई। हमें जाना था मोरथल, जहाँ अक्सर मेरे भाई बहन, मेरा भाई वो सब जाते रहते हैं, मैं अभी तक वहाँ पर नहीं गई थी, अगर बहुत जल्दी ही वहाँ पर जाऊँगी तो आपको भी वो ज़रूर दिखाऊँगी वहाँ पर। तो हम यहाँ वहाँ जाने वाले थे लेकिन वो रूट बिल्कुल अलग था और ये हमारे रूट पर ही था, तो इंशाल्लाह वहाँ फिर कभी चले जाएंगे और जल्दी जल्दी ही मेरे 1 लाख हो जाएंगे तो शायद हम पार्टी करने के लिए वहाँ चले जाएँ। तो लेकिन ये भी बहुत अच्छा बना हुआ था और बहुत ही शानदार तरीके से था, बहुत अच्छी इनकी सर्विसेज थी, खाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, लॉट्स ऑफ वैरायटी थी और मतलब काम के लिए लोग इतने ज़्यादा थे कि आपको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, कि जैसे ही आपने खाना फिनिश किया तुरंत ही वो सब साफ़ हो गया वहाँ से, टेबल बिल्कुल क्लीन हो गया और मतलब नीट एंड क्लीन, अच्छा एनवायरनमेंट था। तो अगर आप इस रूट से कभी गुजर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी यहाँ एक बार ज़रूर आएँ और इनके सर्विसेज का फ़ायदा लें। खाले बेटे, और ये देखिए हम वापस अपनी मंजिल की तरफ को चल पड़े हैं, अब हम आ गए हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में हमें कुतुब साहब पर वापस जाना है, क्योंकि अजमेर जाने से पहले और जाने आने के बाद यहाँ पर पहले फातिहा पढ़ा जाता है, तो हम वहाँ फातिहा पढ़ने के लिए आ गए थे और इस टाइम तो लेडीज़ बहुत सारी थी, क्योंकि हम जब सुबह में आए थे तब तो बस वो जमात वाले ही लोग थे और यहाँ फातिहा पढ़ के दुआ मांग के, ताकि जो हम जिस मकसद के लिए गए थे, जिन लोगों ने हमसे दुआ के लिए बोला था, उन लोगों की जायज़ दुआएं पूरी हो जाएं। और ये देखिए ये छोटा सा बच्चा था जिनकी मदर यहाँ पे खड़ी हुई थी और उनके पापा वहाँ अंदर थे, तो वहाँ से उस बच्चे ने देख लिया है, तो उसके पापा वहाँ से उनको उठाकर बच्चे को ले आए थे और उसकी मदर से वहीं से जाली में बात करा रहे थे। और ये देखिए आ गए हैं अर्श और उसके पापा भी, और बस अब यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। और घर जाने से पहले अभी हमें एक जगह और है, क्योंकि यहाँ जब आए दिल्ली में आए और लीला पैलेस के पास से गुजरे और अपने पसंदीदा मोमोज ना खाएं, और भाई अपने प्लेस के अपनी पसंद के मोमोज खाने का तो मज़ा ही अलग है, जिसका सेम हमेशा टेस्ट मिलता है, वो ये ऊपर से कुछ मसाला डाल कर देता है। खाएंगे आप? हाँ जी भाई, तुम ये अब ये देखिए हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, आज ही को इनको लोगों को निकलना भी था। और ये देखिए मैंने नाश्ते में बना दिया मसाले वाली तहरी, तो वही हम नाश्ते में खा रहे। परवीन जी कॉल अटेंड कर करके फ्रस्ट्रेट हो गए हैं VI से, क्योंकि VI से हमने पोर्ट कराया है एयरटेल में, तो बस वही लोग कॉल करके परेशान कर रहे हैं। और ये मैंने कुछ मंगाया था तो वो मेरा ऑर्डर आ गया था, तो वही मैं चेक कर रही थी। हाँ बस छोड़ उसको, जल कर खोल मम्मी, व्हाट इज दिस? चॉपर, इलेक्ट्रिकल चॉपर। ऐसे कौन अनबॉक्सिंग करता उल्टा करके? मैं जल्दी से खोलने का मतलब होता है ना।
ये वही है ना जिसमें आटा आटा सब बन जाता है? नहीं, ये वो है जिसमें कीमा बन जाता है। किसका? कीमा बारीक हो जाता है। कितना बारीक क्यों है? ये क्या है? ये देखिए इसके ब्लेड कितने शार्प है ना। ये क्यों है इसमें? ये उसके लिए, इसकी लिड होगी इसकी। ये क्या है? पता नहीं ये क्या चीज़ है। ब्लेड के ऊपर ये कवर था। हाँ, इसी का कवर उतरा हुआ है जिससे वो धार लगेगा। ये इसका है? पता नहीं, लग तो रहा नहीं है। खेल तो तो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबनम गहलोत व्लॉग्स। तो वहाँ से थके हारे हम अजमेर से घर आ गए हैं। रात का मैं शूट नहीं कर पाई, सारे के सारे थक गए बुरी तरह से। भाई मेरी तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, अभी भी सुबह से सर में दर्द हो रहा है। एक तो इतना लंबा सफ़र जाने का आने का, वैसे ही पहले से कमर में दर्द हो रहा था, तो इसलिए किसी की कोई हिम्मत नहीं हुई ना, मुझे ध्यान भी नहीं आया। सुबह नाश्ता करने के टाइम पे थोड़ा सा बस कैमरा उठाया था, मस्ती कर रहे थे बच्चे, ये लोग सारे चले गए हैं। मैं जल्दबाजी में इनका सब खाना वाना सब पैक करने के चक्कर में कुछ शूटिंग नहीं की। अभी ये लोग मेरी शायद कुछ दवाई है जो लेकर आएंगे, अभी अर्श दे के आएगा। और टाइम हो गया है 2, मैं दिखाती हूँ आपको, 2 बज चुके हैं। और क्योंकि पहुँचते पहुँचते भी इनको, अब अगर ये निकले हैं तब भी इनको कम से कम 10 बज जाएंगे, इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो मैं अभी रुक गई हूँ क्योंकि मुझे गायनेक को दिखाना है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम अभी ठीक ही नहीं हो रही। पहले मैंने सोचा था कि जो वहाँ की डॉक्टर है उसी की मेडिसिन लेकर देख लेती हूँ, उससे अगर आराम लग जाता, लेकिन उससे भी आराम लग नहीं रहा था। तो ये बोल रहे हैं कि अब संडे को वो डॉक्टर जो है बैठती नहीं है, तो मुझे मंडे को ही दिखाने आना पड़ेगा। कल हम सारे दिन रात को आए थे तो डॉक्टर नहीं था, परसों सवेरे निकल गए थे तो भी डॉक्टर नहीं था, और इन 2 बीच में हमने सफ़र किया है तो और भी ज़्यादा कमर का दर्द भी बढ़ गया है। जो प्रॉब्लम चल रही है वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे और भी ज़्यादा हो गई है। मीनू आ गई है, मीनू ने अपना काम शुरू कर दिया है तो वो लगा रही है झाड़ू, और खाना पीना सब हो गया है पैक, तो मेरा रह गया था। तो मैं अपनी चाय ले लेती हूँ और अर्श अभी आएगा दवाई देने के लिए मेरे लिए। तो सब मिलती हूँ मैं आपसे अभी काम हो जाने के बाद। क्या दवाई ला रहे वाले हो? दवाई हाँ ले ली। कहाँ पर हो अभी? सीएनजी ठीक है। तो ये था हमारा अजमेर से आने का और इनका वापस लौट के जाने का व्लॉग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलती हूँ एक और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।